हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने स्टडी चैनल टारगेट व्यू में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड करेंगे, जो कि बुक से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? क में है 50, ख में है 60, ग में है 80, घ में है 36.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि 60। क्वेश्चन नंबर दो, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80, 75, 65 या 86। तो क्वेश्चन नंबर दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी कि 80। क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर या रोहतास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा घ, यानी कि रोहतास। क्वेश्चन नंबर चार, बिहार के जूट उत्पादन में डैश हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है या स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के जूट उत्पादन में लगातार गिरावट हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ख, यानी कि गिरावट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, ग में है हिमालय की तराई या गंगा का दियारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा का दियारा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर छः, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ डैश 1950 में, 1948 में, 1952 में या 1954 में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 में। तो इसका जो सही आंसर होगा 1955 हो जाएगा, यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 1955 होगा। क्वेश्चन नंबर सात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या छपरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आठ, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास, सिवान, गया या पश्चिम चंपारण। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी कि रोहतास। क्वेश्चन नंबर नाइन, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 1374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर या 6350 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर दस, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या भागलपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या मुजफ्फरपुर जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा घ, पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन करेंगे,
बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। हिमालय क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार के मैदान में, या दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, या गंगा के द्रोणी में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा घा, यानी कि गंगा के द्रोणी में। क्या हो जाएगा? गंगा के द्रोणी में। क्वेश्चन नंबर 2, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, सीसा उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का, यानी कि सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 3, पायराइट खनिज है धातुविक, अधातुविक, परमाणु, या ईंधन? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि अधातुविक। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बिहार के सोना अयस्क से प्रतिदिन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? 0.5 से 6 ग्राम, या 0.1 से 0.6 ग्राम, या 0.0 से लेकर 0.1 ग्राम, या 0.0001 से लेकर 0.0003 ग्राम? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, 0.1 से 0.6 ग्राम प्रतिदिन शुद्ध सोना प्राप्त होता है बिहार के सोना अयस्क से। क्वेश्चन नंबर 5, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, या साहेबगंज? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 6, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, या पूर्वी चंपारण? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ग, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में BHP द्वारा बृहत परियोजना की संख्या कितनी है? 3, 10, 5, या 7? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 35.60 मेगावाट, 44.20 मेगावाट, या 50.60 मेगावाट, या 30 मेगावाट? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, 44.20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर, शाहपुर, मुरकुंडा, या भवानी नगर? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 2, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर, पटना, शाहपुर, या गया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी कि जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 4, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, यानी कि बरौनी। किस क्वेश्चन नंबर 5, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ, या गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ओबरा और दाऊद नगर दोनों, जहाँ कालीन तैयार होता है। ओबरा में भी कालीन तैयार होता है और दाऊद नगर में भी कालीन तैयार होता है। तो इसका आंसर जो होगा ये दोनों होगा, आप ये दोनों आंसर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा क, यानी कि समस्तीपुर। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की पहली रेल लाइन थी? क, मार्टिन रेलवे, मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग, भारत रेल, या बिहार रेल सेवा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख,
ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842, 1860, 1862 या 1858? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो जगह ख, यानी कि 1860। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में या समस्तीपुर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 8283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, या 7283 किलोमीटर, या 8500 किलोमीटर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का, 6283 किलोमीटर, मिस्टेक से हो गया, 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा से रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट, बांस घाट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो जगह का, महेंद्रू घाट। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, या 8 करोड़ से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 करोड़ से कम। ये आठ, इसका आंसर हो जाएगा ग, 8 करोड़ से अधिक हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कम और अधिक में। तो जो है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर जो है 2 करेंगे, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 30%, 28%, 28.63%, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी कि 28.63%। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%, 79.5%, 99.5% या 0%? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि क, 89.5%। क्वेश्चन नंबर 4, 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 772 व्यक्ति, 881 व्यक्ति, 981 व्यक्ति या 781 व्यक्ति? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, यानी कि 881 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? भागलपुर, पटना, मुंगेर, नालंदा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, पटना, जो कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है।
क्वेश्चन नंबर 6, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था पटना, मुंगेर, टाटा नगर या गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी कि टाटा नगर। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है क, 20.5%, 15.5%, 10.5% या 25.5%? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी कि 10.5%। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा का, यानी कि पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसियुल विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या रीटर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेहमान। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। छोटी छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तरंजन, पर्वतीय छायांकन या हैस्यू या तलचीन? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग, हैस्यू। क्वेश्चन नंबर 4, तलचीन की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का, यानी कि अस्थाई, स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 5, अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र चित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान या जल? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का, यानी कि जल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।